गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय में रामनवमी अखाड़ा के समय को बढ़ाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मौके पर इन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी राजनीतिक दलों की भावनाओं से नहीं बल्कि आम जनभावनाओं से चलती है। कहा कि बिहार में डीजे प्रतिबंध है लेकिन वहाँ के भाजपाइयों को इससे कोई दर्द नहीं है, लेकिन झारखंड में भाजपा के कुछ नेता इस पर बयानबाजी करते फिरते हैं। कहा कि हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल डीजे लागू कराने के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं, अगर उनमें क्षमता है तो बिहार में डीजे क्यों नहीं चालू करा देते। कहा कि रामनवमी को लेकर जो 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था वह उचित नहीं था, जिसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अखाड़ा 10 बजे रात तक खेला जा सकेगा। कहा कि इसमें भाजपा के दबाव का कोई मसला नहीं है। वास्तविक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए इस तरीके के प्रपंच करती है। बगल के पड़ोसी राज्य बिहार में डीजे बैन है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई तकलीफ नहीं है। झारखंड में डीजे बैन के मुद्दे पर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल जा रहे हैं हाईकोर्ट, इतना ही है उनकी सरकार बिहार में, वहां डीजे क्यों नहीं चालू करा दे रहे हैं। और रह गया, सरकार जनभावनाओं के अनुरूप चलती है, किसी राजनीतिक दल के विचारधारा से नहीं चलती है। सरकार को यह प्रतीत हुआ कि 6 से 6 की जो समयावधि है वो झारखंडी जनभावना के विरुद्ध है, इसलिए सरकार ने उस समय को बढ़ाया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के दबाव का कोई मसला नहीं है। और मैं पुनः दोहरा कर करता हूँ कि बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का जो रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार किया है, इसको जल्द ही बदली करें, क्योंकि आम जनता इस बात को समझ रही है कि सिर्फ भावनाओं को भड़का कर राजनीति करने की जो आदत भारतीय जनता पार्टी की है, यह किसी भी स्थिति में समाज के लिए उचित नहीं है।